Well, 14 people died and almost 50 others were injured in Rajasthan's Barmer after a tent collapsed during a religious program on Sunday. The pandal was literally uprooted by the strong gusty winds, trapping the people under it. That's right. The state government has announced a compensation of 5 lakh each for the families of those deceased and up to 2 lakhs for those who were injured. Meanwhile, an inquiry has also been ordered, which will be led by the Jodhpur Divisional Commissioner. मैं अंदर ही था और पहले बाबा बवंडर आया हवा का तेज गति से फिर बाद में बारिश शुरू हो गई तो बारिश शुरू होने के बाद में टेंट के अंदर से जो बारिश है ना ऊपर वो बारिश का रोधी टेंट था फिर भी वो बारिश झेल नहीं पाया बारिश एकदम नीचे बहुत सारा छूट गई थी तो लोग खड़े हो गए खड़े होने के बाद हम लोग तो खड़े होकर लोगों को भी बीच में आ जाओ बारिश से बसा हो जाएगा इतना क्या पता था कि वो टेंट ही उड़ जाएगा ना तो फिर बाद में देखते ही देखते बाउंडर ने टेंट आगे से खींचा था वो उठ गया उठ के इतना ऊपर गया कम से कम 60-70 फीट ऊपर चला गया ना तो फिर लोग तो एकदम भागने शुरू कर दिए उस समय किसको देखा नहीं बाहर भागते भागते मैं भी देख रहा था काल सामने आ रहा था मेरे तो मैंने देख ही रहा था उस काल को और उस काल की गति को हम कौन रोक सकता है ना धड़ाम से एक मिनट भी नहीं लगा आधे मिनट में वापस तुरंत आगे नीचे गिर गया मैं मेरे सिर पे चोट लगी हाथ पे लगी उस समय मेरे को शक्कर आया मैं नीचे गिर गया।